प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, रीट परीक्षा 26 सितंबर को लेकर बड़ी खुशखबरी आ गई है, और जो यूट्यूब चैनल वाले और कई अभ्यर्थी ये चाह रहे थे कि परीक्षा 26 सितंबर को नहीं होगी, उनके मुंह पर करारा तमाचा। आज स्कूल कोचिंग को लेकर भी जो प्रेस नोट जारी हुआ है, और अब 1 सितंबर से स्कूल और कोचिंगें भी खुल जाएगी, तो इसी बीच जो अभ्यर्थी ये लगातार सोच रहे थे कि परीक्षा आगे किसके की या 26 सितंबर नहीं होगी, उनके लिए बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए हम लगातार आपसे ये निवेदन कर रहे थे कि आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, क्योंकि परीक्षा 26 सितंबर को ही होगी। ये हमने पहले ही हमारे आंतरिक सूत्रों से पता लगा लिया था। अब जो 26 सितंबर को ही एग्ज़ाम चाहते हैं, वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके हमें मालूम चले कि 26 सितंबर को एग्ज़ाम चाहने वाले कितने हैं। तो ये प्रेस नोट ये क्लियर करता है कि अब परीक्षा 26 सितंबर को होगी। ये आप दे सकते हो स्कूल और कोचिंगों को लेकर। ये आज का आदेश 12/8/2021 अभी जारी हुआ ही है, राजस्थान सरकार ने जारी किया है। विषय इसका है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियाँ हेतु दिशा निर्देश इन्होंने दिया है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, SOP सरकार ने बना लिया है। अब मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश दिनांक 24/7/2021 द्वारा राज्य में शिक्षण संस्थाओं को पुनः प्रारंभ करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP के निर्णय हेतु मंत्रिमंडल की समिति का गठन किया गया है, जिसका नोडल विभाग गृह विभाग है। और ये आप देख सकते हो, राज्य के सरकारी, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50% क्षमता के साथ 1 सितंबर 2021 बुधवार से प्रारंभ किया जाएगा। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी है। प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान एवं शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक के अनिवार्यता की शर्त के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार से बैठक क्षमता के 50% के साथ संचालित हो सकेंगे। इसके अलावा ये आपको वाहन की बैठक क्षमता के अनुमत ही संचालित होंगे। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों को बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्षा में छात्रों को उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50% ही बुलाया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग अध्यापन का भी माध्यम को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा यह देख सकते हो, कक्षा 1 से 8वीं की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित रहेगी। राज्य में शिक्षण गतिविधियों में सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थानों द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना होगा। पिछली बार की तरह शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा और नो मास नो एंट्री का ध्यान रखा जाएगा। शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। 2 गज की दूरी और कैंटीन आदेश आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। संस्था में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूक नहीं सकते बच्चे। संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। इसके अलावा किसी विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकट अस्पताल कोविड सेंटर में इलाज आइसोलेशन हेतु रेफर भर्ती करवाया जाएगा एवं संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को खोले जाने के संबंध में अन्य विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है, ये तो SOP जारी की गई, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर, SI, जितने भी पटवार, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम तय समय पे होंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हम लगातार बार बार ये आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप किसी प्रकार से धोखा नहीं खा जाए। हमारे YouTube टीम आपके लिए लगातार तत्पर है, और ये खबर भी हमने सबसे पहले आपको दिखा दी है। अब आप अपनी तैयारी जारी रखें, 26 सितंबर टारगेट रख के अपनी तैयारी करें। अब वीडियो से विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।